जमीन की जन्नत पानी में डूबी है। सेना, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। पूरे शहर का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल श्रीनगर के कई इलाकों में हालात बदतर हैं। जवाहरनगर इलाके में 20 फीट पानी भरा हुआ है। बचाव टीम उस इलाके में पहुंची लेकिन कोई आवाज तक नहीं सुनाई थी। आशंका है कि जवाहरनगर सहित कई निचले इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। नुकसान की तस्वीरें आपके सामने हैं। फ्लाईओवर पर लोग जमा हैं, यहां पर पानी पानी है नीचे, हालात इतने खराब हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। श्रीनगर में लोग फंसे हुए हैं बचाव टीमों के इंतजार में। लोग छतों पर और ऊंची जगहों पर खड़े हुए हैं। ताजा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुजाउल हक ने। करीब दो दिन बाद भी श्रीनगर शहर का हाल आपके सामने है। हम इस वक्त लाल चौक इलाके में हैं। सबसे ज्यादा जो ऑफिसेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इसी इलाके में है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हर आदमी इस वक्त इस फ्लाईओवर पे इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उन तक कोई मदद पहुंच पाए। इस फ्लाईओवर को देखिए, सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है शहर का और यहाँ लोग फंसे हुए हैं। लगातार इस फ्लाईओवर पे लोग जमा हो रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस इलाके को देखिए, इस इलाके के एक तरफ से सिविलियन एरियाज हैं जहां पे अभी भी हम लोगों को देख सकते हैं। अपनी छतों पर खड़े हुए हैं, मदद मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, इसकी दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो यहां चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। सिविल सेक्रेटेरिएट इसी इलाके में है, सिविल सेक्रेटेरिएट है। उसके बाद हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जजों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। वो देखिए, इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है यहाँ पे, कोशिश कर रहा है कि लोगों को निकाला जाए। वो देखिए, अगर आपको इन तस्वीरों में दिख रहा हो, इस वक्त आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का वो चॉपर MiG-17 जो है, लगातार उस इलाके में कोशिश कर रहा है कि वहां से लोगों को निकाला जा सके। बहुत बहुत ही गंभीर हालात हैं यहाँ। इन तस्वीरों को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस हालत में शहर श्रीनगर अभी भी है। हालांकि पानी थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया है, जहलम का पानी थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी खतरा जारी है। अभी भी हर तरफ उसी तरीके से एक महामारी जैसी फैली हुई है। लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। इस जगह पे पहुंचकर हमको अंदाजा हो रहा है कि किस तरह लोग अपने घरों की छतों पे फंसे हुए हैं और निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर में लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर काम पर लग चुके हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लोगों को पानी के बीच से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये जो खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन, ध्यान से देखें आप किस तरीके से लोगों को यहां पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सराहना करनी पड़ेगी यहां पर भारतीय फौजों की। सेनाओं के तीनों अंगों ने जो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, यह निश्चित तौर पर अप्रत्याशित है। और आप यह देखें जरा किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। जो आपके सामने जो तस्वीर है, ये तस्वीर श्रीनगर की है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से वो पानी में डूबे हुए हैं। लोगों तक सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल है। यहां पर चॉपर से, हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी जा रही है और लोगों को उससे बांधकर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति को वहां पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और भारतीय फौज ने अपनी जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है यहां पर, यह देखने वाली बात है। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। कहीं कहीं पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि मकान डूब गए हैं। जान बचाने के लिए फ्लाईओवर पर
लोग चढ़े हुए हैं, लेकिन फ्लाईओवर का भी कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। जो हिस्सा बाकी है उस पर लोग खड़े होकर बचाव टीम का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक इलाके की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, ये जरा सोचिए, ये ट्रक का हाल है। वो जो फ्लाईओवर चला आ रहा है लाल चौक इलाके का, कहां तक उसमें पानी भरा हुआ है। लोग फ्लाईओवर पर हैं, इनको मदद का इंतजार है, इनको रेस्क्यू ऑपरेशंस का इंतजार है, इनको इंतजार है कि शायद इन तक खाना पहुंचे, और इसमें पूरी तरीके से फौजें लगी हुई हैं। ये तो हाल लाल चौक का है। ये टैंकर देखिए आप, पूरा ऊपर तक पानी आ चुका है। ये श्रीनगर का बड़ा पॉश इलाका है, ये वो इलाका है जो लोग, जहां पर लोग घूमने जाते हैं, ये वो इलाका है जहां पर लोग टहलने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से केयर टुडे ने मुहिम शुरू की है। आप अगर जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं तो चेक भेज सकते हैं। आप मदद का चेक इस नाम से भेजें, केयर टुडे अकाउंट JNK फ्लड रिलीफ फंड। चेक भेजने के लिए पता है केयर टुडे फंड, इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, FC8 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं balaji.singh@intoday.com पर। आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है +91 98108 222 98। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक तस्वीर बता रही है एरियल सर्वे की कि वहां पर हालात कितने खराब है। जम्मू की यह हालत है, जरा देखें आप इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं। यहां पर दूर दूर तक अगर आप देखें तो किस तरीके से प्रभावित है ये इलाका। हेलीकॉप्टर से ये एरियल सर्वे की तस्वीरें हैं। जम्मू के आसपास के इलाकों में भी लोगों को बचाने का काम जारी है। मनमन हमारे संवाददाता जो हैं, उन्होंने जायजा लिया इलाके का। हम इस वक्त आर्मी एविएशन कोर के चीता हेलीकॉप्टर में, और हमारे साथ मौजूद इस वक्त हैं आर्मी के टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल दुष्यंत सिंह। आप देख सकते हैं जनरल दुष्यंत सिंह से जायजा ले रहे हैं इस पूरे माहौल का। ये तभी दरिया है हमारे बिल्कुल जिसके ऊपर से हम उड़ रहे हैं, और ये पूरा एरिया पानी से भर गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं पानी कम हो गया है। दाहिने तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि घुमा के दिखाएं तो वो पूरा एरिया आप देख सकते हैं जहां पानी हट चुका है, लेकिन दूर आपको वो जो गांव नजर आ रहे हैं जहां पानी भरा हुआ है वो पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के गाँव है जहाँ अभी तक पानी भरा हुआ है। हमारे भारत के हिस्से से ये पानी निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में भी किस तरह बाढ़ का कहर, बाढ़ का प्रकोप आया है आप साफ देख सकते हैं। पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है, और जहां इस वक्त ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है, ये एक पूरा एरिया आर्मी की और BSF की डिफेंस का हिस्सा है। एक डिच कम बंद है यहाँ पे, और लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन सब फौजियों ने सबसे पहले जितने भी गांव वाले यहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की। आइए हम बात करते हैं जनरल दुष्यंत से जो हमारे साथ है। जनरल साहब, कितना मुश्किल था इस इलाके में मदद पहुंचाना? बाढ़ की जो हालत थी वो 4 तारीख से बनने लगी थी। चेनाब रिवर और तावी रिवर उफान में आने की वजह से ये अपने डेंजर लेवल से काफी ऊपर बह रही थी। उस समय हमारे जो ट्रुप थे बॉर्डर एरिया में जितने भी गांव थे उनके साथ बाढ़ की सिचुएशन से काबू पा रहे थे। उस समय हमने अपनी जान की परवाह न करके टोटल 22 कॉलम निकाले, जिसमें से कि तकरीबन 7 कॉलम परगवाल में, जहां पे 15,000 तक की जनसंख्या इस बाढ़ की हालत से अफेक्टेड थी, जिसमें से 5,000 लोग काफ़ी बुरी तरह अफेक्टेड थे। 2,500 लोगों को हमने पीछे ला करके 7 कैंपों में लगाया। जनरल साहब, अभी कितना काम होना बाकी है आपके हिसाब से? अभी जो काम बाकी है बॉर्डर एरियाज में कम्युनिकेशन बहाल करना है, जिसके लिए हम लोग तकरीबन 3 ब्रिजेज लगा रहे हैं। 5-6 रोड्स हैं जो बिल्कुल खराब हो गई हैं उनको तैयार कर रहे हैं। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि हम मेडिसिन, फूड सप्लाईज, ये सब चीज़ें, जरूरी जो चीज़ें हैं सिविल पॉपुलेशन को मुहैया कराएंगे।